डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें से हम आयरन का पेंटा कार्बोनिल और क्रोमियम के हेक्सा कार्बोनिल के बारे में बात करेंगे। अब जो आयरन का जो पेंटा कार्बोनिल है, आयरन के तीन कार्बोनिल हमें ज्ञात हैं। एक तो आयरन का पेंटा कार्बोनिल, दूसरा आयरन का Fe2CO9 और Fe2CO12। इनमें से जो आयरन का जो पेंटा कार्बोनिल है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। आयरन के पेंटा कार्बोनिल में ये अपन देख रहे हैं कि ये कोल गैस में पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से हम इसको आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। और सिंथेसाइज किस प्रकार से कर रहे हैं, एफी चून जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 एटमोसफेयर प्रेशर पर हम इसको गर्म करते हैं तो ये आयरन के पेंटा कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो आयरन का जो पेंटा कार्बोनिल है ये क्या है, लाइट येलो कलर का लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 102.7 डिग्री होता है और यह -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वैसे तो स्थाई होता है लेकिन प्रकाश और यदि कोई भी एसिड वगैरह इसकी आ जाए तो ये आयरन का पेंटा कार्बोनिल जो है वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और ये काई में कन्वर्ट हो जाता है Fe2CO9। Fe2CO9 जो है वो एनी कार्बोनिल, इसका नाम है Fe2CO9 को एनी कार्बोनिल भी कहा गया है। इस एनी कार्बोनिल को गर्म करते हैं अगेन तो हमें 2 डेका कार्बोनिल और पेंटा कार्बोनिल हमें मिलते हैं। तो ये जो आयरन का जो पेंटा कार्बोनिल है ये क्या कर एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में भी पाया जाता है। अब इस आयरन के पेंटा कार्बोनिल की जो हम स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आयरन का कितना है, 26 है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3d पाया जाता है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी संरचना कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में हम देखेंगे कि जो है जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रहा है sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और इसकी आकृति को इस स्ट्रक्चर के द्वारा बताया गया है। तो अब इसमें हम देखें कि आयरन के पास 2 क्या है, रिक्त ऑर्बिटल हैं, 2 क्या है, रिक्त ऑर्बिटल हैं और 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, 3 क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। तो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण तो आयरन परमाणु से ये जो कार्बोनिल परमाणु जो जुड़े होते हैं, 5 परमाणु जुड़े हुए होते हैं, इनमें से 2 परमाणु तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं और 3 परमाणु सिंपल जो है वो क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ करके ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी संरचना बनाते हैं जो कि इस डायग्राम में अपने को अपन इसकी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आयरन पेंटा कार्बोनिल कैसे बनाया जाता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है और क्या इसका यूज़ है। अब नेक्स्ट कार्बोनिल जो है वो आपका है क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल, क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल। अब क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल के लिए भी क्या होता है, बनाने के लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में CrCl4 क्लोरीन क्रोमियम टेट्रा क्लोराइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराई जाती है तो हमें क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल प्राप्त होता है। यह एक रंगीन ठोस है, सॉलिड है और जिसका जो है वो अपने क्या है, ये एक रंगीन सॉलिड है और जिसका कि जो है 149 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सब्लिमेशन हो जाता है और ऑर्गेनिक ब्लैक में ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और ये जो क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल है जो है आपकी ठंड वायु एयर ठंडे जलीय क्षारों और एसिड इन सब के प्रति क्या होता है, ये अक्रिय होता है। इसकी कुछ रिएक्शन जो है वो इस प्रकार से हैं। तो पहले सबसे पहले फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हम देख रहे हैं, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन, फ्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करता है और ये क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल बना हेक्सा फ्लोरीन बना रहा है। सोडियम के साथ इसका रिडक्शन हो रहा है तो लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में ये सोडियम द्वारा रिड्यूस होकर क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें क्रोमियम जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। इसी प्रकार से ये पिरिडीन के साथ भी रिएक्ट करता है तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल में उपस्थित 6 जो हैं CO समूह में से 3 तो पिरिडीन मॉलिक्यूल के साथ इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं करके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो इसमें जो कार्बोनिल सारे हैं इनमें से कुछ कार्बोनिल का क्या हो रहा है, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वो क्या हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो रहे होंगे। तो पिरिडीन के समान रिएक्शन जो होती हैं टेट्रा एल्किल अमीन या ईथर भी प्रदर्शित करते हैं। इनमें क्या हो रहा है कि 6 CO समूह में से 3 जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं आपके आसानी से
रिप्लेस हो रहे हैंगे, तो मॉलिक्यूल द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं। तो ऊपर जो सारी जो रिएक्शंस हैं क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की, जो सभी संरचनाएँ ओके हैं, ये सारी रिएक्शन प्रदर्शित करती हैं कि तीन CO समूह क्रोमियम परमाणु से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं और सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, और शेष तीन समूह डबल बॉन्ड द्वारा क्रोमियम परमाणु से ही जुड़े हुए हैं। अब इसी प्रकार से क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की स्ट्रक्चर क्या है, इसमें D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर अपने को पता है कैसी होती है, अष्टफलकी यानी कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। और इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए जो है अष्टफलकीय संकरित क्रोमियम परमाणु के पास, अष्टफलकीय संकरित क्रोमियम परमाणु के पास तीन रिक्त कक्षक उपलब्ध हैं और धातु परमाणु के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए तीन CO समूह अर्धभरे कक्षक उपयोग में ये लेते हैं। तो ये अपन इसके डायग्राम से हम इसको देखें, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हाफ फिल स्टेट और इसमें D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी संरचना ऑक्टाहेड्रल संरचना है और कैसे इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आयरन का पेंटाकार्बोनिल और क्रोमियम का हेक्साकार्बोनिल और निकल टेट्राकार्बोनिल, ये कुछ कार्बोनिल हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल जो अपन ने डिस्कस किए इस चैप्टर के अंदर। अब ये मेटल कार्बोनिल की यूजेस क्या हैं, तो मेटल कार्बोनिल जो होते हैं धात्विक चून बनाने में उपयोगी होता है, इनमें से शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है मॉड की विधि द्वारा, निकल अशुद्ध निकल धातु को 80°C गर्म करके CO गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये जो इसका उपयोग जो है वो इस प्रकार से इनके जो है इसके इसमें जो है हम इसका मेटल कार्बोनिल के हम इसके यूजेस भी कर सकते हैंगे। तो इसी प्रकार से जो धातु को दर्पण बनाने में और निकल और क्रोमियम की प्लेट्स बनाने में भी इसका काम किया जाता है, उपयोग होता है। मोटर के ईंधन में आयरन पेंटाकार्बोनेट मिलाया जाता है और एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अनेक सिंथेसिस रिएक्शन में भी जो है वो होमोजीनियस कैटलिस्ट के रूप में भी इन मेटल कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं मेटल कार्बोनेट के और इनके यूजेस। थैंक यू।